नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी आने वाला है। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल पूरे हो जाएंगे, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम पर जानते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी मातृभूमि जिस पर हम रह रहे हैं कई सालों से अंग्रेजी सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी। उस समय अंग्रेजों का ही शासन चलता था। जबरदस्ती भारतीय लोगों पर अपनी हुकूमत चलाया करते थे ही अंग्रेजी सरकार, और जो उनकी बातें नहीं मानता था उन पर हत्याचार भी किया करते थे। कई सालों के संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता सैनियों की कड़ी मेहनत और शहीद होने के बाद भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद 2.5 वर्ष के बाद सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा में पास किया गया। इस दिन के बाद आज तक भारतवर्ष के लोग बड़ी धूमधाम से इस दिन को मनाया करते हैं। यह त्यौहार भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1930 को रानी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई तो इस घटना में ही भगत सिंह व उधम सिंह क्रांतिकारियों को जन्म दे दिया, क्योंकि यह घटना बहुत ही दुखद घटना थी। इसमें जनरल डायन के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने बूढ़े, बच्चों, महिलाओं सहित सब लोगों को मार डाला था। तभी से सभी लोगों के मन में एक आज़ादी पाने के मन में उमंग उठ गई थी। लेकिन आज दूसरे शब्दों में कहें तो भारत स्वतंत्र है, किसी का कोई भी शासन नहीं चलता हमारे देश में। आपको बता दें कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान समिति के प्रारूप में समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। साथ ही देश भर से चुने गए बच्चों को बहादुरी के पुरस्कार व तोहफे दिए जाते हैं। 26 जनवरी के दिन जल सेना, वायु सेना, थल सेना टुकड़ियों में रैली निकाला करती है और लाल किले तक पहुंचती है। हर वर्ष गणतंत्र दिवस को पावन रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी रिपब्लिक डे की वैल्यू पता चल सके और पता चले कि इतिहास में यह क्यों मनाया जाता है। और हमारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।